झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में बीजेपी विधायकों का गतिरोध पर विरोध जारी है। नमा जगह से उठे विरोध, लाठीचार्ज, नियोजन नीति, जेपीएससी में बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास विधानसभा परिसर में कई विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थन में अब भाजपा के एमएलए नवीन जायसवाल, भानु प्रताप शाही, नीलकंठ सिंह मुंडा, समरी लाल भी साथ में धरने में बैठे थे। इस दौरान रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सरकार ने अपने 19 माह में अपने एक भी वायदे को पूरा नहीं किया, लेकिन अब समाज को बांटने का काम सरकार कर रही है। हेमंत सरकार के लाए नियोजन नीति को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया और कहा कि हिंदी, भोजपुरी जैसी भाषाओं को नीति से बाहर कर सरकार एक तरह से राज्य के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। साथ ही रघुवर दास ने जेपीएससी में जेएमएम के एक नेता की पत्नी को सदस्य बनाए जाने पर भी सवाल उठाया। हमने हिंदी भाषा भाषी, हिंदी, भोजपुरी, अंगिका सहित उर्दू, बंगला, उड़िया, 9 जनजाति भाषा को हमारी सरकार ने ही अनुमोदित किया और 1,00,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने दी ऑन रिकॉर्ड। ये सरकार आने के साथ फिर मुस्लिम तुष्टिकरण, अंग्रेज के फूट डालो राज करने, इसी अंग्रेज को भगाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, ताना भगत ने कुर्बानी दी। ये अबुआ राज के बबुआ राजा किस तरह यहाँ के हमारे आदिवासी गरीब आदिवासियों के पुरखों को आज कलंकित करने का काम कर, हिंदी भाषा भाषी को हटाने का काम किया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राज का राजकाज भाषा है। आज विधानसभा किस भाषा में चल, प्रोजेक्ट बिल्डिंग नेपाल हाउस में किस भाषा में कार्यालय चल, माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट किस भाषा में कर सर, इधर भी देखिए। हम सभी जानते हैं कि दो ही भाषा में झारखंड में पढ़ाई जाती है, हिंदी भाषा भाषी या इंग्लिश मीडियम। हमारे आदिवासी बच्चे भी हिंदी भाषा भाषी में, अगर आप उनको रख दिए कोटा में एग्जाम दीजिए, तो बच्चा मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री कुरमाली या कोटा में पढ़ाई हुआ का, तो मेरा बच्चा तो फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। उसी तरह हमारी सरकार ने एक और प्रावधान किया था कि कोई झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, झारखंडवासी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं और उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो उनको यहाँ थर्ड फोर्थ ग्रेड में नौकरी मिलेगी। ये सरकार ने उसको हटा दिया। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक महामंत्री तथाकथित, उनकी पत्नी पढ़ी कहाँ, उत्तर प्रदेश में, पढ़ाई से लिखाई लेक्चर कहाँ थी, उसको जेपीसी में नौकरी मिल जाएगा। लेकिन जिस झारखंड के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के झारखंडवासियों ने, इस झारखंड ने कुर्बानी दी, उनके बच्चे को थर्ड फेडगढ़ में नौकरी नहीं मिलेगी, कहाँ का न्याय है? यह अन्याय भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, लोकतंत्र का अपमान नहीं करने देगी। चाहे हम लाठी खाएं, गोली खाएं, जो खाना पड़े हम खाएंगे, लेकिन लोकतंत्र को बचाएंगे। और ये परिवार, ये जो परिवारवाद, कांग्रेस, जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल जो लोकतंत्र के विरोधी है, परिवार तंत्र स्थापित करने झारखंड में नहीं दी।